या कैंडिडेट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक हो, खैर से होंगे। जैसे कि इस चैनल पे आपको कोई ना कोई न्यू इन्फॉर्मेशन का वीडियो मिलता है, तो आज भी हमारा मकसद है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दें। तो इसके लिए मैंने कुछ ट्रिक्स नोट की थी, कहाँ से मुझे मिल गई, तो मैं सोचा कि ये आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम्स में बहुत बार आ चुके हैं, मैंने देखे। तो इसके लिए मैं इस पर एक वीडियो बना रहा हूँ, जो आप अच्छी तरह से सुने और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। क्वेश्चन ये आता है कि कंट्रीज़ कौन से हैं जो ब्लैक सी के सराउंडिंग में है, जो उसके आसपास में है। तो इसकी मैं याद करने के लिए ट्रिक बनाइए द बर्गर। बर्गर आप खाते हैं, बर्गर, तो बर्गर के नाम से मैंने ये ट्रिक बनाई है। द से क्या है, तुर्की है, ठीक है, THE द, इसका मतलब है तुर्की, टर्की जो कंट्री है। और बर्गर का मतलब क्या है, बी से बुल्गारिया, यू से यूक्रेन, और आर से आपका रशिया आता है, जी से आपका जॉर्जिया आता है, और आर से आपका रोमानिया आता है। तो ये द बर्गर जो कंट्रीज़ हैं, ये आपके ब्लैक सी के सराउंडिंग में, आसपास में हैं। उसके बाद जो दूसरा है वो है कंट्री सराउंडिंग द कैस्पियन सी। जो कैस्पियन सी के सराउंडिंग में कंट्रीज़ हैं वो कौन से हैं, या कौन सा कंट्री नहीं आता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो उसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, तारिक, TARIK, ठीक है। तो देखें, टी से क्या है, तुर्कमानिस्तान है, ए से क्या है, अजरबैजान है, आर से क्या है, रशिया है, और आई से क्या है, ईरान है, के से क्या है, कजाकिस्तान है। तो ये आपका क्या बन गया, तारिक, ठीक है। तारिक एक नाम भी है पर्सन का, बंदे का। तो आपको याद करने के लिए तारिक और द बर्गर ट्रिक, ये मुझे समझ में आ गया है कि आपको ये समझ आया होगा। और अगर आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जो भी ऐसे अच्छे वीडियोस होते हैं होंगे तो मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और अपनी दुआओं में याद रखना, और ये लाजमी सुनना, और ये आप नोट कर दें ताकि आपको फ्यूचर में काम आए। अल्लाह हाफिज़।